जिसके पीरियड्स ठीक नहीं हैं, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट ना होने के लिए गर्भ निरोधक तो गोलियां खाती हैं, जो इंजेक्शन लगाती हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके मेलास्मा में, ठीक है। क्योंकि आपके बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, आपके हार्मोनल्स हैं ना जो वो इनबैलेंस होने लगते हैं। मेरी शादी को 6 साल हो रहे हैं और अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं है। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, इसका एक रीज़न है, ठीक है। आप थोड़ा डीप में जाना, मेरी बात समझने की कोशिश करना, या प्रिगनेशन के ऊपर ही, खास करके मैं लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ आपको पता चलेगा। जब आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलोगे ना अच्छे, तो आपको इतनी सारी चीज़ें पूछेगा। आप अनमैरिड हो तो आपके क्वेश्चन अलग होंगे, मैरिड लोगों के क्वेश्चन आई थिंक अलग ही होते हैं, जैसे मुझसे पूछे गए। चलो मैं आज आपको बता ही देती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे क्या क्या पूछा, मैंने बताया था मेरे पीरियड्स के बारे में, पूछा आपके पीरियड्स कैसे हैं, उन्होंने बोला आप मैरिड हो तो आपके बच्चे कितने हैं, उन्होंने मुझे ये भी पूछा। बाद में बोला सर मेरे बच्चे, उन्होंने शादी कितने साल हो गए, मैंने कहा 6 साल हो गए। देखो डॉक्टर है, अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करा तो कर सकते, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था ये स्किन डॉक्टर क्यों मुझसे ये सब गायकनों वाली बात पूछ रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला आंसर दो, कुछ पूछ रहे हैं। मैं बोले नहीं सर। उन्होंने बोला आप नहीं चाह रहे हो क्या कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, गर्म गर्म गोली इंजेक्शन? मैं बोला नहीं सर, हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, भगवान जब देखे तब लेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप ब्लड टेस्ट कराओ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मैंने ना अपनी लाइफ में फर्स्ट ऐसा डॉक्टर देखा है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बातें पूछता है, और उसका भी एक रीज़न है। और अगर आपका डॉक्टर ऐसा पूछता है तो प्लीज़ उसे बताएं, ताकि वो आपकी डीप प्रॉब्लम को बाहर निकाले, ठीक है। क्योंकि मेलाज्मा का इलाज बहुत कम है। अगर आपको ऐसा कोई डॉक्टर मिलता है जो आपकी डीप बीमारी के बारे में पूछ रहा है, जहाँ तक तो सारे जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट है उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे पूछेंगे, इसलिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाना। ताकि ना आप ब्लड टेस्ट मेरे होने के बाद, पता है विटामिन डी ना 30 सिर्फ 12 तक होना ठीक है, लेकिन 6 बहुत ही डेंजर है, बहुत ही वीक है 6, कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि हड्डियों में कैंसर होने का भी डर है, आप समझ जाओ। तो बाद में उन्होंने मुझे बोला आपको तो विटामिन डी बहुत कम है। तो मैडम आप ना, आपको पता है विटामिन डी की कमी से स्किन में तो प्रॉब्लम आती आती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपकी बोन में, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने बोला विटामिन डी से सिर्फ प्रेगनेंसी का बहुत कॉन्टैक्ट है। आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर आपको सिर्फ फॉलिक एसिड देगा, विटामिन B12 देगा तो ही आप प्रेगनेंट होंगे। मेरे को ना मेरा कैसे मेरे को ना अजीब लग रहा है आप लोगों को बोलने में, मेरे ना मेरे 5-6 ऐसे मिसकैरेज हो गए हैं, जिसके कारण जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था तब मुझे डॉक्टर ने कोई भी विटामिन का ये सब टेस्ट नहीं कराया था, ठीक है। उन्होंने मेरे को दवाई दी, बस हो गया, पता नहीं कैसे सडनली हो जाता था। तो मैंने बहुत कोशिश की। देखो जब कोई मैरिड होता है और उसके साथ ऐसा हो, तो काफ़ी एक मैरिड लोग ही समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। मेरे से भी जो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके कितने कितने साल बाद बच्चे हुए हैं, मैं तो 6 साल में ही ऐसा हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे की कमी तो खलती है। तो बाद में उन्होंने मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे डॉक्टर ने टैबलेट दी थी 3 मंथ खाने की, उसने मुझे बोला अब 3 मंथ खाने के बाद आओ। फिर मैं 1 साल बाद प्रेगनेंट हुई, फिर मेरा ऐसे हुआ, फिर मतलब कैसे ना कैसे, पता नहीं मेरा कैसे मिसकैरेज हुआ था, मैं बाहरी चीज़ भी नहीं उठा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर के अंदर ना कोई विटामिन की कमी ज़्यादा हो गई थी, मैं इतना ध्यान नहीं दिया ना, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, सिर्फ वो मुझे हमेशा डेक्सोरेंजी दे देती थी। बाद में मैंने बोला ये मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा मेलाज्मा आ रहा है क्या, स्किन इतनी डल हो रही थी ना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप ना एक बार स्किन ट्रीटमेंट करा लो। फिर मैंने ना स्टॉप ही कर दिया, मैंने बोला नहीं अभी बच्चा नहीं चाहिए, छोड़ो, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। मेरे हस्बैंड बोला अभी छोड़ो, अभी नहीं चाहिए, आप आराम करो, रेस्ट करो, बहुत ज़्यादा वीक होगा, आप स्किन ट्रीटमेंट कराओ अपना। और 1 साल बाद मैंने मेरा स्किन सचमुच, आप देखो कैसा था मेरा स्किन। जब मेरा विटामिन डी का इतना कमी आने के बाद जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी, तब उन्होंने मुझे बोला कि आपको पता है जब विटामिन डी लिमिटेड क्रॉस कम होता है ना, तो आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आएगी, आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। और ना विटामिन डी हमारा प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ऑल विटामिन्स, लेकिन विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। अब पता है आप विटामिन डी की आपकी कमी पूरी होने से भी आप कंसीव कर सकते हो। अब भोलेनाथ देंगे तो उनकी कृपा से सब अच्छा हो जाए, तो मेलाज्मा अच्छा हो तो महादेव देंगे सब अच्छा ही होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।